हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। आप 5 से 10 मिनट के अंदर पोहा तैयार कर सकते हैं। 2 चम्मच ले लिया है तेल और डाल लिया है जीरा। जीरे को लाल होने के बाद हमने डाल लिया इसमें प्याज और शिमला मिर्च और जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। और मुझे जल्दी थी, 5 से 10 मिनट के अंदर मैंने बनाकर तैयार भी कर लिया। ये थोड़े से बीन्स भी डाल लिए हैं, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह रेड कर लेना। और फिर हमने इसमें डाल लिया हल्दी और नमक, और मैंने एक ग्रीन चिली डाली थी, बाकी मैंने और कोई मसाला नहीं डाला इसमें, आप देख सकते हैं। फिर मैंने 2 मिनट सब्जियों को पका लिया है और इसके बाद हमने पोहे को वॉश करके स्ट्रेन कर लिया है। ये देखिए हमारा पोहा ड्रेन हो गया, सूख चुका है ये अच्छी तरह। और हम इसको पोहे में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सब्जियाँ, और ये खिला खिला हमारा पोहा बनकर तैयार है। ना मैंने इसमें चीनी डाली है, ना मैंने कोई लेमन डाला, फिर भी पोहा खाने में इतना टेस्टी लगता है। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं और नींबू वगैरह भी डाल सकते हैं, और कई लोग इसमें चीनी भी डालते हैं, पर हमें चीनी वाला पसंद नहीं है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा खिला खिला पोहा बनकर तैयार है। ये देखिए बिल्कुल दाना दाना अलग अलग है, सब्जियाँ बिल्कुल मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने डाल लिया प्लेट में, कुछ ऐसे सर्व कर सकते हैं और कुछ नमकीन के साथ, आपके पास सेव नमकीन हो, कोई भी नमकीन हो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, और बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स